ऑल्सो देर इज अ वेरी ओल्ड डिबेट डेवलपमेंट और एनवायरमेंट एंड बोथ साइड्स प्रेजेंट व्यूज एज इफ ईच इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लेकिन हमें सह अस्तित्व को भी स्वीकारना होगा और सह यात्रा के महत्व को भी समझना होगा. आई फील इट इज पॉसिबल टू स्ट्राइक ए हेल्दी बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट. और हमारा तो देश ऐसा है कि जहां हमें हजारों साल से सह अस्तित्व की शिक्षा दी गई है. हमारे पूर्वजों ने जो भगवान की कल्पना की और सह अस्तित्व का उदाहरण उसमें महसूस होता है. ये सावन मास है, सोमवार है, शिव जी के गले में सांप है और उसी परिवार के गणेश जी का आसन चूहा है. सांप चूहे के खाने की आदत रखता है लेकिन शिवजी अपना परिवार में सह अस्तित्व का संदेश देते हैं. ये अपने आप में हमारे यहां किसी परमात्मा की कल्पना पशु पंखी पौधे के बिना नहीं की गई है, उसके साथ जोड़ा गया है. इन अवर पॉलिसीज इन अवर इकोनॉमिक्स वी हैव टू चेंज द कन्वर्सेशन अबाउट कंजर्वेशन. वी हैव टू बी बोथ स्मार्ट एंड सेंसिटिव एंड क्रिएट ए हेल्थी बैलेंस ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडिया विल प्रॉस्पर बोथ इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली. इंडिया विल बिल्ड more roads and India will have cleaner rivers. India will have better train connectivity and also greater tree coverage. India will build more homes for our citizens and at the same time create quality habitats for animals. India will have a vibrant marine economy and a healthier